बड़ा सुकून मिलता है कि मेरी वजह से आज किसी को थोड़े 2 सेकंड के लिए भी अगर दो पल भी छांव के नसीब हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बना रही हूँ मैं सब्जी और उसके बाद मैंने दूध गर्म किया, पराठे बनाए और बच्चों का टिफ़िन पैक किया। तो ये सारे काम एक्चुअली बस वही है ना, मेरे साथ मोबाइल पकड़ने वाले की दिक्कत है। सोच रही हूँ एक असिस्टेंट रख लूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल ग्रो करा दो। और टिफ़िन पूरा ख़त्म कर लेना, जो एक बाइट पूरी कभी बचती है, थोड़ी सब्जी बचती है ना, बहुत पिटाई कर देंगे हम। इतने सुबह उठ के हम इसलिए नहीं बनाते हैं। बच्चे चले गए हैं, इनके जाने का टाइम हो गया है, मैं नहा चुकी हूँ, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। नहाने के बाद मेरे यहाँ पे खाना बनता है, मतलब रोटी टाइप वाला खाना, तो मैं वो भी बना चुकी हूँ। तो गाइज अभी मेरे घर के ऑलमोस्ट काम निपट गए हैं, ऑलमोस्ट निपट गए हैं कि मतलब सारे ही निपट गए हैं। अब मुझे पूजा करनी है एक्चुअली। वैसे मैं इनके जाने से पहले पूजा कर लेती हूँ नहा के, लेकिन आज मैंने नहा के पहले इनको टिफिन बना के दे दिया है क्योंकि मुझे करना है सुंदरकांड का पाठ। मंगलवार को मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो जी हाँ, अगर आप लोगों को भी टाइम मिलता है ना तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। सुंदरकांड का पाठ करने से नेचुरली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मुझे लगा था कि शायद अड़चने आएंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो काम मैंने सुंदरकांड का पाठ करके स्टार्ट किया है। मेरा वो काम हमेशा हुआ है, 100% सियोरिटी रहती है मुझे कि अगर मैं दिल से पूजा करूंगी, हनुमान जी के दिल से सुंदरकांड का पाठ करूंगी तो डेफिनेटली मेरा काम पूरा ही होगा। तो मैं हमेशा करती हूँ। जब मुझे लाइफ में, मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तब से मैंने स्टार्ट किया था। मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी दिन भर, मतलब दिन में हर रोज करती थी। एक बार तो समय ऐसा आया था कि मैं दिन में 2-3 बार केवल बैठ के सुंदरकांड की किताब ही पढ़ती रहती थी। और अब फिर जब मुझे मेरा बेटा होने वाला था उस टाइम पर भी मुझे लग रहा था कि ठीक है, मतलब हो जाए चीज़ें नॉर्मल तरीके से और जो मुझे चाहिए वो हो जाए। तो उस टाइम पे भी मैंने सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट किया था और भगवान की कृपा से मेरी कामना पूरी हो गई। तो मैं अभी भी सुंदरकांड का पाठ करती हूँ मंगलवार को। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो बात अलग ही है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुंदरकांड का पाठ हमेशा करूँ। तो ये देखिए मैं फूल तोड़ लाई हूँ, मैं इनकी माला बना लूँगी। हैं घर पे फूल तो इस वजह से बना लेते हैं, नहीं तो फिर खरीद के तो माला ही ले आते हैं डायरेक्ट, और कहाँ रोज़ रोज़ फूल खरीदने भी जा पाते हैं, यहाँ कहाँ आता है। तो इस वजह से चलो पहले इसके देखो, मदार के वृक्ष हैं, मदार के हैं और चांदनी के छोटे छोटे हैं। तो मैं एक हनुमान जी के लिए और एक शंकर जी के लिए माला बना लूँगी। तो माला मिलती है आप लोगों को पूजा के लिए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको माला बनाना जरूरी है। जो आपके पास सामग्री अवेलेबल है आप उससे वो करिए, पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास है, मेरे घर में मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, बाहर अपने यहाँ जगह है थोड़ी, इधर भी रोड के उधर भी। तो अभी उधर वाला प्लॉटिंग हुई नहीं है, ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो उधर भी है। किसी का कभी बन जाएगा तो भाई बात अलग की है। और फूल पौधे हैं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, बट अगर जब होगी आगे तो देखा जाएगा। मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी पता क्या होता है, कोई डिलीवरी वाले अगर आते हैं भैया ना, तो एक मैंने कनेर का पेड़ लगाया हुआ है तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है अब, तो उसके नीचे दोपहर में छांव रहती है। तो जब कोई आके बैठता है ना उसके नीचे, उनको मेरी गली में किसी को पार्सल देना होता है ना, तो वो यहीं आकर पैकेट ढूंढते हैं, छांव में खड़े हो जाते हैं और पैकेट ढूंढते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मेरी वजह से आज किसी को थोड़े 2 सेकंड के लिए भी अगर दो पल भी छांव के नसीब हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं माला बना लेती हूँ, है ना। वैसे मैं एक ही माला बनाती हूँ, मदार मतलब आग का जो वृक्ष होता है, सफ़ेद मदार लगा रखा है मैंने बाहर, तो उसका मैं एक माला बनाती हूँ शिव जी के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं दो माला बना लेती हूँ। चांदनी के भी वृक्ष थे, सॉरी फूल थे मेरे पास, तो मैंने हनुमान जी के लिए भी माला भी बना ली है। अभी मैंने आसन बिछा लिया है, अब मैं रोज़ की जो पूजा होती है वो मैं पूजा कर लूँगी। पूजा में भगवान को स्नान कराना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना, आरती जलाना और सिंदूर चढ़ाना, जो भी मतलब रोज़ की प्रक्रिया होती है वो वाली मैं पूजा कर लूँगी। पीला सिंदूर मैं अलग रखती हूँ, तो मैंने आज हनुमान जी को पीला सिंदूर चढ़ा दिया है। मैं लाल और पीला दोनों सिंदूर रखती हूँ, गौरी में मुझे पीला सिंदूर ही भरना होता है और गणेश जी में लाल सिंदूर चढ़ाती हूँ मैं। तो मैं पूजा के उस स्थान पर दोनों रखती हूँ। पानी रख दिया भगवान का, भोग रख दिया मैंने। ये देखिए फूल मेरे यहाँ पे बहुत सारे फूल हो जाते हैं। ये देखिए माला मैंने बनाई थी हनुमान जी के लिए और आग की बनाई थी शंकर जी के लिए। तो और ये जो फूल हैं इतने सारे, अभी तो मैंने ये मानिए मैंने 10% भी फूल नहीं तोड़े हैं, अभी तो 90% फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं बाहर। अब मैंने दीपक जला दिया है, अब मैं स्टार्ट करूँगी सुंदरकांड का पाठ। पहले मैं भगवान का ध्यान कर लूँगी, श्री राम जी का ध्यान कर लूँगी, फिर स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड का पाठ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक पूज चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुवीर समारी तर के ऊपर पन तने बलिहारी, जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले हु सुगा पाताल तुरंता, जिमि हमो रघुपति गर्बाना, ही भाति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान ते ही पारिसा कर पुनि कीन प्रणाम, राज राम काज कीने बिनो मोह कहाँ विश्राम, सिया बलराम जय जय राम।
हाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहावे खग मृग बंद देखी मन भाये सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे उमा न कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप सो काल ही खाई गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी कही न जाए अति दुर्ग विशेखी अति उतंग जलि निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यत नागना चहु हट हट जन तारी। तो गाइस सोमवार को मेरा व्रत होता है और उसके बाद मंगलवार को मैं करती हूँ सुंदरकांड का पाठ। तो मुझे 2 घंटे पूजा में लग जाते हैं। पहले पूजा करो फिर उसके बाद भगवान भगवान आरती और पाठ इन सबको मिला के मुझे 1.5 से 2 घंटे नेट लग जाते हैं। 1.5 घंटे तो सिर्फ पाठ में ही लग जाते हैं, बाकी पूजा वूजा मिला के 1.5 से 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। और सोमवार का मेरा व्रत रहता है तो अब इस टाइम ना मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसके बाद मुझे प्यास भी इतनी भयंकर लगती है। अब मैं पीऊँगी पानी और उसके बाद मैं फिर कुछ खाऊँगी वाऊँगी। खाने का तो उतना कोई ज़रूरी नहीं होता है बट प्यास बहुत लगती है। 11:30 बज गए हैं और मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे चले गए थे वो, तभी मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। ये आ गया था मेरा एक पार्सल, बच्चे स्कूल से आने वाले थे जब तक ये पार्सल मेरा आ गया तो मैंने सोचा चलो पार्सल ओपन कर लेते हैं। और ये कुर्ती मैंने मंगाई थी और एक मंगाई थी मैंने मसाज क्रीम। मुझे लग रहा था बस ऐसे ही घर में थोड़ी थोड़ी मसाज करनी चाहिए बट अभी मैं नेचुरल मसाज घर पे कर रही हूँ। जी हाँ, चावल के आटे हल्दी और दूध को मिक्स करके मैं स्क्रब कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लगाई मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी हो गई थी शाम। ये सब करते करते बहुत सारे काम रहते, बच्चे आए, खाना पीना, 2 शाम हो गई। फिर मैंने शाम को की आरती और दरवाजे दिया रखा। तो ये था मेरा दिन का शेड्यूल। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा।